हाय साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग आए हैं, आप देख रहे होंगे, हम लोग राहुल किला बंडा मुंडा स्टेशन आए हैं और यहाँ में रेल का बहुत बड़ा यार्ड है साथियों, काफ़ी ढेर सारा लाइन बिछाया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद साथियों, राहुल किला स्टील प्लांट, जो भी यहाँ से मालगाड़ी जाता है साथियों, जो भी जाता है राहुल किला स्टील प्लांट, जो भी मालगाड़ी सब माल लोड करने जाता है, तो साथियों आके यहीं खड़ा होता है और स्टील प्लांट से माल लेके फिर रिटर्न यहीं आके खड़ा होता है साथियों। जितने भी मालगाड़ी सब यहीं खड़ा होता है राहुल किला स्टील प्लांट का। तो मैं आपको ये यार्ड दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ साथियों। तो साथियों, राहुल किला कबंडा मुंडा स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है साथियों, लेकिन यहाँ में जो बैठने का सुविधा सब थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा यार्ड है साथियों। आप देख रहे होंगे सब मालगाड़ी सब खड़ा हुआ है राहुल किला स्टील प्लांट के अंदर जाने के लिए। तो साथियों, ये है आपका हावड़ा मुंबई का मेन रूट। तो साथियों, बगल में आप बस्ती देख रहे हैं, वाला बस्ती का नाम है बोगदा बस्ती। तो साथियों, देख रहे होंगे आप, काफी बड़ा यार्ड है। तो चलिए साथियों, मैं आपको आगे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, आप लोग देखते होंगे मालगाड़ी जा रहा है बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए राहुल किला की ओर। तो साथियों, काफी बहुत ज्यादा लाइन बिछाया गया है यहाँ में, इतना बड़ा यार्ड है साथियों। इसके बाद यहाँ में रेलवे बोगी को, जो मालगाड़ी है उसको रिपेयरिंग भी किया जाता है इस शेड में। सब मालगाड़ी सब खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, सब जितना बड़ा बड़ा शेड है, सब मालगाड़ी का डब्बा का रिपेयरिंग किया जाता है। तो साथियों, चारों तरफ लाइनें लाइन बिछाया हुआ है साथियों, देख रहे होंगे आप लोग। बगल में उधर एक पहाड़ भी है साथियों। तो साथियों, चलिए साथियों, मैं आप लोगों को आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ में इंजन सब भी शेड के अंदर में खड़ा हुआ है। तो साथियों, यहीं में माल इंजन का बोगी को अगर कुछ भी, उसका बोगी अगर बॉडी कुछ भी अगर उसका ख़राब हुआ रहता है तो उसको फिर से यहाँ रिपेयरिंग किया जाता है। तो साथियों, आप लोग देखते होंगे मालगाड़ी खड़ा हुआ है। साथियों, वैसे बंडा मुंडा को काफ़ी बड़ा रेलवे यार्ड माना जाता है, हालांकि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे यार्ड को इंडिया नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड माना जाता है,
जो मुगल सराय का नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों सब मालगाड़ी सब खड़ा हुआ है वहां में, तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे ये मैं ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऊपर खड़ा होके जो बगल में थोड़ा सा ऊंचाई है साथियों, साथियों आप लोग देखते होंगे जितना भी अगल बगल है काफी हरियाली है साथियों, सब सागवान का ही गाछ लगाया गया है रेल सरकार की तरफ से, काफी हरियाली है, करोड़ों का आप कह सकते हैं सागवान गाछ सब लगाया गया है। साथियों आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ काफी हरियाली है, चारों तरफ सागवान का गाछ लगाया गया है, ये चारों तरफ काफी हरियाली लग रहा है यार का। काफी बड़ा यार्ड है साथियों, आप लोग देख रहे होंगे तो साथियों बहुत मुश्किल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें आरपीएफ लोग मना किए हैं उन लोग यहाँ वीडियो बनाने के लिए, काफी छुप कर वीडियो बनाना पड़ा, अगर उन लोग पकड़ लेते तो बहुत दिक्कत हो जाता होती। तो साथियों आप लोग देखते होंगे बंडा मुंडा रेलवे यार्ड मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, सब मालगाड़ी सब खड़ा हुआ है, तो साथियों चलिए अब आगे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। है साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों बहुत मुश्किल से बनाया साथियों, जो कि यहाँ मैं वीडियो शूट करते समय अगर आरपीएफ देख लेता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है साथियों।